कोरोना को लेकर पीएम मोदी तीसरी बार देश को करेंगे संबोधित। शुक्रवार सुबह 9 बजे पीएम मोदी का वीडियो संदेश प्रसारित किया जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी देश में कोरोना के बढ़ते संकट पर देशवासियों से इस बीमारी से बचाव की एक बार फिर अपील करेंगे। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की और सुझाव दिए। उन्होंने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया है कि केंद्र उनके साथ खड़ा है और हर संभव मदद की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की चिंता लॉकडाउन को लेकर दिखी। उन्होंने हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने की अपील की, साथ ही जरूरी सामान भी मुहैया करवाने को कहा। मजदूरों के पलायन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि हमें हर संभव कदम उठाने चाहिए ताकि पलायन को रोका जा सके। इसके लिए हर राज्य अपनी ओर से इंतजाम करे। इसके साथ ही सभी धर्मगुरुओं से एकजुट होकर के कोरोना को हराने की अपील की। देश में कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है, जो चिंता बढ़ाने वाला है। देश में अब तक 1965 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 328 नए केस सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कोरोना संक्रमण से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में इलाज से 151 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली एम्स के एक रेजिडेंट डॉक्टर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, हालांकि उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। डॉक्टर के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले दिल्ली के 6 डॉक्टर कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। देश भर में तबलीगी जमात के 9000 कार्यकर्ताओं की पहचान हुई है। इनमें से 1300 लोग विदेशी हैं। सभी मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के प्रोग्राम में शामिल हुए थे। निजामुद्दीन के SHO की शिकायत पर मरकज वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 700 तक हो सकती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन जैन के मुताबिक गुरुवार को आए 32 कोरोना संक्रमितों में से 29 मरीज जमाती हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज गली के अलावा आसपास के इलाकों में लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आसपास लोगों के घरों, दीवारों, पेड़ों को भी ध्यान में रखते हुए साफ सफाई की जा रही है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा है कि भारत में कोरोना महामारी फैलाकर हत्या करने के लिए तबलीगी जमात के मुखिया मोहम्मद साद पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। मरकज ने देश भर में कोरोना के कहर को बढ़ा दिया है। पुलिस मरकज के मौलाना साद को खोजने में लगी है। इसी बीच दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के मरकज के मौलाना साद का नया वीडियो सामने आया है। ऑडियो में मौलाना कह रहे हैं कि सरकार का साथ दें और घरों में रहें। डॉक्टरों के निर्देश पर आइसोलेशन में हूं। बता दें कि मौलाना साद की तलाश में पुलिस देश के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक उसका सुराग हाथ नहीं लग पाया है। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने तबलीगी जमात के मामले में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मरकज में तबलीगी जमात का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। पवार ने 8 अप्रैल को शबे बारात पर ऐसी भीड़ नहीं जमा करने और लोगों से घर के अंदर ही रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक राज्य से 1400 लोग दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। उनमें से 1300 लोगों का पता चल गया है और उनको क्वारंटीन किया गया है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मुंबई के धारावी में लोग दहशत में हैं। कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत के एक दिन बाद ही गुरुवार को BMC में सफाई कर्मी का काम करने वाले व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मरकज में शरीक होकर एक व्यक्ति आया है। इसके संपर्क में कितने लोग आए, इस बात की जांच पड़ताल पुलिस के जरिए की जा रही है। मरकज में गए व्यक्ति के संपर्क में अब तक 8 लोगों के आने की पुष्टि हो गई है। इन्हें भी कोरोना संक्रमित होने की जांच की जा रही है। पूरी इमारत को सील कर दिया गया है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। इसकी जनसंख्या तकरीबन 6 लाख से अधिक है। इसी इलाके में कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति की मौत के बाद नाकेबंदी कर दी गई है। महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना वायरस के 338 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 9 की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस को अभूतपूर्व स्वास्थ्य और मानवीय संकट बताते हुए कहा कि यह हमारे सामने डराने वाली चुनौती है, लेकिन इससे पार पाने का हमारा संकल्प अधिक बड़ा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि खराब ढंग से लॉकडाउन कोई भेदभाव नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारे फैसलों का असर आने वाले कल पर पड़ेगा। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो कोरोना से छुटकारा पाया जा सकता है।
भारतीय सेनाएं भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। चिकित्सा से जुड़े साजो सामान लाने ले जाने के लिए वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट तैयार है, तो नेवी के क्रूज किसी भी स्थिति में तैनाती के लिए अलर्ट पर हैं। सूत्रों की माने तो सेना के 8500 डॉक्टर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा बल पहले से ही कोरोना से निपटने के लिए क्वारंटीन सुविधाओं की तैयारी कर रही है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट जरूरी मेडिकल उपकरण बना रहे हैं। एयरफोर्स को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर और नागालैंड में मेडिकल सप्लाई पहुंचाने के लिए तत्काल एक्टिव कर दिया गया है। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट बेड़े तैयार हैं। मेडिकल सप्लाई जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हैंड सैनिटाइजर, सर्जिकल ग्लव्स, थर्मल स्कैनर और मेडिकल कर्मचारियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन का आज 9वां दिन है। इसी बीच दिल्ली में दवाइयों की भारी कमी देखी जा रही है। ऐसे में मरीज और दवाई वाले परेशान हैं। जी मीडिया की टीम दिल्ली के कई इलाकों के मेडिकल स्टोर पर गई और पाया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही दवाइयों की सप्लाई ठप हो गई है। सबसे ज्यादा असर डायबिटीज, शुगर, रोजमर्रा की दवाइयों पर पड़ा है। पिछले एक हफ्ते से दवाइयों की कमी के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, डिटॉल और सेवलॉन बाजार में है ही नहीं। इसकी एक बड़ी वजह ई पास की कमी और डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से दवाई की सप्लाई नहीं होना है। भारत में घरेलू हिंसा के मामले 24 मार्च के बाद से बढ़ गए हैं। 21 दिनों के लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही भारत में लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के बाद जहां अपराध का ग्राफ काफी नीचे आ गया है, वहीं घरेलू हिंसा के मामले इस दौरान बढ़ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हेल्पलाइन नंबर पर कई पुरुष तो कई महिलाएं भी पति की तरफ से घरेलू हिंसा को लेकर फोन कर रही हैं। डायल 100 पर रोजाना 10 से 15 शिकायतें आ रही हैं। पुलिस की तरफ से कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए परिवारों को समझाकर मामले को शांत करवाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सांगली के मीरज इलाके में पुलिस ने मनचले युवकों से योग करवाया। सांगली में पुलिस की सख्ती के बावजूद मनचले युवक लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे और सड़क पर घूम रहे हैं। ऐसे मनचलों को और बिना किसी जरूरत के लॉकडाउन में घूमने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस अलग अलग तरीके अपना रही है। कोरोना वायरस के खौफ के बीच देश भर में रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। लोगों ने घर में रहकर सोशल मीडिया पर बधाई संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी पर ट्वीट किया कि रामनवमी के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, जय श्री राम। वहीं पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण ने लिखा कि प्रार्थना करता हूं कि राम की कृपा से हम मुश्किल वक्त से निकल जाएं। आशा है कि जिंदगी में आप सभी को अच्छी सेहत और प्यार मिले। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए साईं मंदिर के अधिकारियों और पुजारियों ने शिरडी साईं मंदिर में रामनवमी मनाई। शिरडी में रामनवमी उत्सव का यह 109वां साल है। साईं मंदिर में कांकड़ आरती की गई, साईं प्रतिमा को स्नान करवाया गया। इस साल लॉकडाउन की वजह से साईं दर्शन भक्तों के लिए बंद है। गुरुवार दोपहर शिरडी द्वारकामाई में अखंड साईं चरित्र पाठ किया गया। साईं चरित्र ग्रंथ की पालकी निकाली गई, जिसमें सोशल डिस्टेंस के साथ पुजारी और साईं मंदिर के कर्मचारी मौजूद थे। साईं बाबा की प्रतिमा को स्वर्ण अलंकार पहनाया गया था। देश में कोरोना वायरस के कारण 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्रालय ने मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत दी है। अब धारक लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसे रिन्यू करा सकते हैं। 25 मार्च को नॉन पेमेंट की वजह से लैप्स हुई पॉलिसी दोबारा रिन्यू करा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव किया है। लॉकडाउन की वजह से बिहार से बाहर फंसे मजदूरों और लोगों को नीतीश सरकार 1,000 रुपए की सहायता राशि देगी। मुख्यमंत्री ने विशेष सहायता के तहत सरकार के लॉकडाउन से परेशान हो रहे लोगों को मदद पहुंचाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे aapda.bih.nic.in की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। जो लोग बिहार से बाहर फंसे हुए हैं, वो इस ऐप पर अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। लॉकडाउन के 9 दिन बाद बिहार सरकार को दिल्ली में फंसे मजदूरों को राहत पहुंचाने का ख्याल आया है। दिल्ली में बिहार सरकार की ओर से 10 जगहों पर मजदूरों के लिए दोनों टाइम खाने की व्यवस्था की गई है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। संजय झा ने कहा कि सीएम के आदेश पर ये व्यवस्था की गई है। पटना जंक्शन पर उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी, जब जेडीयू के पूर्व विधायक इजहार अहमद भिखारियों के बीच खाना बांटने पहुंचे। इस दौरान ना तो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी गई, ना ही खाना बांटते समय मास्क का इस्तेमाल किया गया, ग्लव्स भी नहीं पहने गए। जेडीयू नेता पिछले 2 दिनों से स्टेशन पर खाना बंटवा रहे हैं। दिल्ली के मरकज में शामिल होकर बिहार लौटे लोगों की तलाश के लिए बिहार सरकार ने एसटीएफ को लगा दिया है। बिहार एसटीएफ ने दिल्ली मरकज से लौटे 85 में से 65 लोगों की शिनाख्त कर ली है, जिनमें से कुछ लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 20 लोगों की तलाश अभी जारी है। वाकई राम जी करेंगे बेड़ा पार, लेकिन ऐसे यकीनन नहीं। जब आस्था
हालातों पर भारी पड़ने लगे तो वैसी आस्था से हमें क्या, ज्यादातर लोगों को एतराज होगा। ये तस्वीर बिहार के मुंगेर की है, जहां राम के नाम पर हालात की नाकेबंदियां तोड़ लोग सड़कों पर निकल आए। ये हालात तब हैं जब बार बार लोगों को घरों में रहने के संदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को तमाम नियमों को ताक पर रखने का मौका मिल गया। मुंगेर के लोगों से हमारी अपील है कि ऐसे देश नहीं जीत पाएगा। महामारी को मात देकर जिंदगी में उम्मीद की किरण अगर लानी है तो ऐसे मौके पर संयम ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से मिले तबलीगी जमात के 34 लोग चाईबासा में चक्रधरपुर के मस्जिद में छुपे थे, पुलिस ने सभी को किया क्वारंटाइन। गढ़वा में जिला प्रशासन ने पंचायत भवन में 6 लोगों को क्वारंटाइन किया था। ये लोग दूसरे प्रदेशों से अपने गांव आए थे। जिला प्रशासन ने इन सभी को पकड़कर पंचायत भवन में शिफ्ट किया था, लेकिन ये लोग रात का फायदा उठाकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने इन्हें दोबारा पकड़कर पंचायत भवन में शिफ्ट किया और सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया। बेतिया के मझौलिया में डुमरी पंचायत के लोगों ने कोरोना से बचाव का नया तरीका इजाद किया है। युवाओं ने गांव को कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइजर बना लिया है। सैनिटाइजर बनाने के लिए 100 लीटर पानी में 5 किलो फिटकरी, 1 किलो कपूर, 5 लीटर फिनाइल और नीम के पत्ते का इस्तेमाल किया गया। इस घोल का छिड़काव पूरे गाँव में किया गया। झारखंड में कोरोना पीड़ित महिला मरीज के मिलने के बाद से डर का माहौल बना हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हिंदपिंडी इलाके को सील कर दिया गया है। अब तक जो भी लोग महिला के संपर्क में आए हैं उन सभी लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। खगड़िया में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वो 18 मार्च को दिल्ली से खगड़िया लौटी थी। मौत की वजह जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, WHO की टीम, SDRF और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली में ट्रेवल हिस्ट्री होने की वजह से मृतक का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। मामला खगड़िया के गोगरी प्रखंड क्षेत्र का है। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को परेशान नहीं होने देगी। कोरोना की वजह से परेशान हो रहे किसानों को भी CM ने राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड के लोन की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। इसके साथ प्रोफेशनल टैक्स, संपत्ति कर जमा कराने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल की गई है। CM शिवराज सिंह ने प्रदेश वासियों को रामनवमी की बधाई देते हुए लोगों से अपील की है कि लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें और भगवान की उपासना करें। उन्होंने अपील की है कि लोग भगवान से कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना करें। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने वालों पर प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बुधवार को इंदौर के छतरीपुरा इलाके के सिलावटपुरा में डॉक्टरों की टीम स्क्रीनिंग के लिए पहुंची थी, जहां लोगों ने टीम के साथ बहस की और फिर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना का केंद्र बन चुके इंदौर में हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 12 नए मामलों को मिलाकर अब इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 75 हो गई है, जिसमें से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 72 मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। यहां के मोती तबेला की रहने वाली एक महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। हालांकि उसकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 7 तक पहुंच गया है। इंदौर में BJP विधायक रमेश मेंदोला के घर पहुंचकर महिलाओं ने खूब हंगामा किया। महिलाएं विधायक के घर राशन मांगने पहुंची थी। उनका कहना था कि उनके घर में राशन नहीं बचा है, बच्चे भूखे हैं, भूख से मरने से अच्छा है कि कोरोना से ही मर जाएं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि विधायक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और घर से भगा रहे हैं। देश में चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक वीडियो बरेली के मौलाना तौकीर रजा का वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने कुछ लोगों से बात करते हुए कह रहे हैं कि तबलीगी काउंसिल बेकसूर है, सारी गलती सरकार की है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और लोगों में नफरत पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना में सरकार तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी, ऊपर वाले पर यकीन करो क्योंकि सरकार बेईमान है। मुसलमानों ने अपनी जुमे की नमाज को छोड़कर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही।
देवास के पिपलकोटा की मरकज मस्जिद में रुके तबलीगी जमात के 11 लोगों के खिलाफ सतवास थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने सभी 11 लोगों की मेडिकल जांच करवाकर उन्हें क्वारंटीन किया है। सभी जमाती राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। कोरोना की वजह से उज्जैन में हर साल होने वाली पंचकोशी यात्रा रोक दी गई है। ऐसा पंचकोशी यात्रा के इतिहास में पहली बार हुआ है। पंचकोशी यात्रा 17 अप्रैल से शुरू होने वाली थी। रायपुर में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए महिलाएं घरों से बाहर निकल आई हैं। जोरापारा की महिलाओं का कहना है कि लॉकडाउन के बाद भी उनके मोहल्ले से कई लोग बेवजह घरों से बाहर निकलकर घूमते रहते हैं और समझाने के बाद भी नहीं घूमने से बाज नहीं आते। अब महिलाएं नाके पर लाठी डंडों के साथ ही साबुन लेकर तैनात हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 36 घंटे से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि एक कोरोना पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के 9 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 3 ठीक हो गए हैं और 6 का इलाज चल रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी जमात से जुड़े देश भर के 400 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सबसे अधिक संक्रमित 173 तमिलनाडु से हैं और दिल्ली में 108 लोग हैं, जबकि दिल्ली में 1810 मरीजों को क्वारंटीन किया गया है। आंध्र प्रदेश में 76 लोग तो तेलंगाना में 33, जम्मू कश्मीर में 22, असम में 16, पुडुचेरी में 2, अंडमान निकोबार में 9 और इसके साथ ही राजस्थान में 11 मरीज संक्रमित हैं। कर्नाटक में 1000 लोगों का परीक्षण किया गया है। 1000 में 6 नए लोगों में पॉजिटिव होने के लक्षण मिले हैं। इसके अलावा 200 लोगों का स्वैब टेस्ट लिया गया है। जांच जारी है। इससे पहले 100 सैंपल टेस्ट में 11 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। ये सभी बीदर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। सभी लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से होकर आए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के कारण कर्नाटक में 7वीं और 8वीं क्लास की परीक्षाएं नहीं होंगी। अब कर्नाटक के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि 7वीं और 8वीं क्लास के सभी बच्चों को अब अगली क्लास में बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण यह फैसला लिया गया है। तेलंगाना में कोरोना के कुल 100 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें से 96 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक पीड़ित व्यक्ति इलाज के बाद स्वस्थ हो गया है, जबकि 3 मरीजों की जान जा चुकी है। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना की जनता से एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने के लिए आह्वान किया। जनता से अपील की कि कोरोना से लड़ने में पुलिस महकमा जी जान से जुटा है, आप लोग भी सहयोग करें। दक्षिण भारत का अयोध्या कहा जाने वाला तेलंगाना के भद्रचालम मंदिर में रामनवमी की पूजा की गई। ये यहाँ का एक बड़ा वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जुटते हैं, लेकिन कोरोना के प्रकोप के चलते इस साल यहाँ भक्त नहीं जुटे। तेलंगाना के मंत्री इंदिरा करण रेड्डी ने सरकार की तरफ से मोती और पट्टू वस्त्र का चढ़ावा चढ़ाकर पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 121 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 48 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। 6 लोग ठीक हो चुके हैं। नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि स्वास्थ्य संसाधनों की जिले में कोई कमी नहीं है, सिर्फ नागरिक प्रशासन का सहयोग करें, भीड़ भाड़ न हो। इसे ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने 83 लाख लाभार्थियों को शुक्रवार को ऑनलाइन पेंशन देने का फैसला किया है। अफसरों को वृद्धाश्रमों की साफ सफाई के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। इसके अलावा सभी जिलों के अधिकारियों से कोरोना पर सीएम योगी रिपोर्ट ले रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में तबलीगी से जुड़े 1172 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 258 विदेशी नागरिक हैं। 884 को क्वारंटीन किया गया है, जिसमें से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तबलीगी जमात के लोगों में से 1 गाजीपुर और 1 मेरठ का व्यक्ति है। कुल 429 सैंपल लिए गए हैं। कईयों की जाँच आनी बाकी है। योगी सरकार ने बताया कि 226 लोगों के पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर अपनाते हुए अधिकारियों से कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जमात के लोगों की गलतियों का खामियाजा आम लोगों को न भुगतना पड़े। तबलीगी जमात से लौटे हर व्यक्ति को हर हाल में ढूंढ कर निकाला जाए और उन्हें निगरानी में रखा जाए। यूपी के शाहजहांपुर में दिल्ली की तबलीगी जमात से लौटे 12 लोगों को मदरसे से पकड़ा गया है। इनमें 9 विदेशी नागरिक हैं। शहर के अंटा चौराहे के एक मदरसे में कुछ विदेशियों के ठहरे होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान थाईलैंड के 9 लोग पकड़े गए, जबकि 3 अन्य लोग भी मिले हैं। कोरोना से संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस ने पकड़े गए लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। फिलहाल सबके सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं। लॉकडाउन की तमाम बंदिशों के बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं, लिहाजा प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। नोएडा के सेक्टर 16 में एक साथ नमाज पढ़ने के आरोप में नमाज के आयोजक समेत सभी 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने लॉकडाउन के नियमों की परवाह किए बिना इकट्ठा होकर छत पर नमाज पढ़ी थी।
आंध्र प्रदेश में पुलिस की पिटाई के बाद एक शख्स ने की खुदकुशी। शख्स ने वीडियो जारी कर कहा, लॉकडाउन के दौरान पैदल घर जाते समय पुलिस ने बेवजह पीटा, इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सोशल डिस्टेंसिंग लापरवाही मामले में नगीना विधानसभा के एसपी विधायक मनोज पारस सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के दौरान नेताजी गोयल इंटर कॉलेज में जरूरतमंदों को राशन बांटने लगे, इस दौरान भीड़ हो गई, इसी वजह से पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। संघ के स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील किया जा रहा है। इन सेंटरों पर एम्बुलेंस की गाड़ियां और कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी लोग कोरोना से प्रभावित हैं उनको आइसोलेट किया जा सकेगा। इन सेंटर पर सैनिटाइजर, बेड, कम्युनिटी किचन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था है। भारत नेपाल बॉर्डर रुपाईडीहा पहुंचे 181 नेपाली नागरिकों को चेकिंग के बहाने भारत की सीमा से लौटा दिया गया। भारत के तमाम इलाकों से नेपाली नागरिक नेपाल पहुंचे थे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नेपाल पुलिस ने सभी नेपालियों को क्वारंटाइन का बहाना बनाकर वापस भारत की सीमा से लौटा दिया। ये सभी नेपाल जाने की जिद पर अड़े हैं, जबकि नेपाल पुलिस ने प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया है। देश में चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक वीडियो बरेली के मौलाना तौकीर रजा का वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने कुछ लोगों से बात करते हुए कह रहे हैं कि तबलीगी काउंसिल बेकसूर है, सारी गलती सरकार की है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और लोगों में नफरत पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना में सरकार तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी, ऊपर वाले पर यकीन करो क्योंकि सरकार बेईमान है। मुसलमानों ने अपनी जुमे की नमाज को छोड़कर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। अयोध्या की जनता पर भी लॉकडाउन का असर साफ दिखा। अयोध्या का प्रमुख पर्व राम जन्मोत्सव होने के बावजूद सभी सड़कें खाली दिखी। मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना पहले से ही बंद है। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने ही राम जन्मोत्सव को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपने संतों के साथ मनाया। वहीं सरयू तट भी सूने रहे। राम जन्मभूमि रामलला में राम जन्मोत्सव की आरती की गयी।